नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। दोस्तों, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपको बता रहा हूँ डायगोनल स्केल, यानी दोस्तों जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया प्लेन स्केल बताया, अब डायगोनल स्केल बता रहा हूँ। जो दशमलव के एक अंक तक मेजर करने के लिए प्लेन स्केल का यूज किया जाता है, और दशमलव के दो अंक तक मेजर करने के लिए डायगोनल स्केल का यूज किया जाता है, ऐसे मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। तो इनको मेजर करने के लिए, मापने के लिए दोस्तों डायगोनल स्केल का यूज किया जाता है। तो मैं आज आपको पूरा डायगोनल स्केल बताऊंगा दोस्तों, मिनी ड्राफ्टर की सहायता से किस तरीके से बनाते हैं, और एक्चुअल किस तरीके से भी बिल्कुल पूरा ड्रॉ करके बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ये मेरे पास इंजीनियर ड्राइंग की जो किताब है दोस्तों, तो इसमें मैंने प्रॉब्लम लिखी है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। लिख रहे दोस्तों, ए कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल ऑफ RF, दिया दोस्तों 3/200, शोइंग मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर टू मेजर अप टू 6 मीटर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो RF दिया दोस्तों, RF कितना दिया है 3/200। अब आपको इसको लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। लेंथ ऑफ स्केल किस तरीके से निकलेगी दोस्तों, 3/200 × 6 मीटर। मीटर को हम दोस्तों सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको इसमें, आपको आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो 9 सेंटीमीटर की आपकी लेंथ ऑफ स्केल निकली दोस्तों। तो इसके ऊपर जो लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों, हम 9 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे। अब इसको आपको शो करना है मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में। तो आपको इस तरीके से शो करेंगे, मान लीजिए आपको 4 मीटर, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर आपको शो करना है। वो किस तरीके से करेंगे, 3 मीटर, 2 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर आपको शो करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो मैं आज आपको पूरा स्केल बना के बताता हूँ दोस्तों, मिनी ड्राफ्टर के हिसाब से। तो सबसे पहले दोस्तों हमने लेंथ ऑफ स्केल निकाली है। लेंथ ऑफ स्केल क्या है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका 9 सेंटीमीटर। तो हम इसको 9 सेंटीमीटर को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप जब भी मिनी ड्राफ्टर को यूज किया दोस्तों, आपको 0 पर इसको सेटिंग कर लेना, यहाँ एरो मार्क रहता है या 0 रहता है, 0 पर हमेशा सेट कर लेना चाहिए। 0 पर सेट करने के बाद आप जो भी स्केल बनाओगे बिल्कुल एक्यूरेट बनाओगे। तो सबसे पहले हम इसको 9 सेंटीमीटर की हम एक लेंथ शो मेजर करेंगे दोस्तों, यहाँ से लेके, मान लीजिए 9 सेंटीमीटर की ये लेंथ है दोस्तों। अब इसको दोस्तों हमको कितना शो करना है, अप टू 6 मीटर। तो हमको क्या, कितना डिवीजन करना है दोस्तों, इसके 6 डिवीजन करेंगे। 6 डिवीजन किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले इसको मिनी ड्राफ्टर को आप खोलो और किसी भी एंगल पर आप इसको 6 भागों में डिवाइड कर दो दोस्तों, उसको ऐसे हल्का दिखना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, और अच्छा भी लगना चाहिए। तो सबसे पहले इसको 1, 2, 3, 4, 5 और इसको 6 भागों में दोस्तों हमने इसको मार्किंग कर लिया। अब मिनी ड्राफ्टर की सहायता से दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट को इस वाले पॉइंट से आपको बिल्कुल मिलाना है दोस्तों, लास्ट वाले, और इसको अच्छे से मिनी ड्राफ्टर को टाइट कर देना चाहिए। अब दोस्तों इसको दो, ये आपको बिल्कुल एक पॉइंट मिल गया आपको, ये आपको 2, 3, 4, 5 दोस्तों, ये 6। अब आपका क्या रहेगा दोस्तों, 6 मीटर आपको शो करना। तो ये वाली लाइन रहेगी हमेशा, ये 0 पे रहेगी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर ये 5 रहेगा और दोस्तों इधर ये 6 रहेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको तो आपने 6 भागों में डिवाइड कर दिया, अब हमको ये क्या हुआ दोस्तों, ये आपका मीटर हुआ, ये आपका मीटर हुआ दोस्तों, ये मीटर में हुआ। ये आपका 0 डेज 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज और ये आपका 0 यहाँ से होगा, 0 1 2 3 4 5, ये आपका 6 डेज होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब ये वाला भाग है, इसको आपको 10 भागों में डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरीके की एक और लाइन आप किसी भी एंगल पर आप इसको सेट कर लो। अब इसके आपको 10 भाग कर दो इस तरीके से, अब इसके हम 10 भाग कर देंगे, 1 2 3
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये 10। इस लाइन को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे जैसे, तो ये पॉइंट आ गया दोस्तों, ये 1.2.3.4.5.6.7.8.9 और 10। अब इसको दोस्तों हमको ये वाले पॉइंट से मिलाना है दोस्तों, ये वाले पॉइंट से। तो इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे ये 0 पर इस तरीके से। इसके बाद मिनी ड्राफ्टर को बिल्कुल अच्छे से टाइट कर देंगे। ये वाला पॉइंट बराबर आपका पैरेलल लाइन ये ड्रा होने लग जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आपके 10। अब इसको दोस्तों मार्किंग कर लेना आपको। 0 तो ये है ही, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये वाला आपका 10 हो जाएगा दोस्तों। ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इस लाइन को आपको, ये आपका मीटर हो गया दोस्तों, ये डेसीमीटर हो गया। अब आपको सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये 5 दिख रहा होगा, 5 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। इसके हम 10 भाग कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे 0.5 का एक पार्ट हो गया 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5। इस तरीके से आप इधर भी 5 सेंटीमीटर की आप ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना दोस्तों, कितना भी कर सकते हो आप। तो 5 सेंटीमीटर की आप ये लाइन आप इसको ड्रॉ कर लेना। अब उसको दोस्तों आप इस तरीके से भी मिनी ड्राफ्टर की सहायता से भी आप पॉइंट मार्क कर सकते हो, और नहीं तो आप इसकी सहायता से भी आप पॉइंट मार्क कर सकते हो। इसे कोई से भी एंगल आप ले लीजिए, आप इसको 10 भाग कर लीजिए ऐसे, जो भी आपको इजी मेथड लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको जो भी इजी मेथड लगे दोस्तों, आप उसको आप इसको सेट कर लो। अब इसके बाद आपको ये वाला पॉइंट लिया, इस वाले पॉइंट से आप इसको मैच कर दोगे, तो जो भी आपका पॉइंट आएगा बिल्कुल एक्चुअल आएगा, ये 1 आएगा। जैसे आप यदि आप 0.5 लेके भी करोगे तो वही आएगा, और आप इस तरीके से भी करोगे तो वो आपका वहीं पर आएगा दोस्तों। तो आपको मैं दोनों तरफ से, दोनों मेथड से आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों ये वाली आपकी मीटर हो गई, ये आपकी डेसी मीटर हो गई, और ये वाला आपकी हो गई सेंटीमीटर। अब ये वाली आपकी क्या रहेगी, ये आपकी रहेगी 0, 0 डबल डैश, 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश, 5 डबल डैश, 6 डबल डैश, 7 डबल डैश, 8 डबल डैश, 9 डबल डैश और 10 डबल डैश। अब ये आपकी ये रहेगी दोस्तों 0, 1 ट्रिपल डैश, 2 ट्रिपल डैश, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये आपकी सेंटीमीटर वाली लाइन रह जाएगी दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मिनी ड्राफ्टर को आपको लाना है, इसको इस लाइन से आपको बिल्कुल सेट करना है। ये वाली लाइन को आपको इसको पैरेलल ड्रॉ कर देना दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों ये वाली लाइन रहेगी, इसको आपको इसको इससे मिला देना है दोस्तों।
आप जो मिनी ड्राफ्टर का जितना अच्छा यूज़ करोगे दोस्तों, आपकी ड्राइंग उतनी अच्छी बनेगी। और मिनी ड्राफ्टर बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, इससे हर एक जो लाइन रहेगी दोस्तों एक्यूरेट बनेगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी दोस्तों। तो हमेशा इसी का यूज़ करना है दोस्तों, ड्राफ्टर का यूज़ करा करो जब भी आप मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करना। अब क्या करना है दोस्तों, ये वाली आपकी 10 वाली लाइन है, ये 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10, ये 10 वाली लाइन है दोस्तों। इसको जो 9 से इसको आपको क्या है, इस तरीके से आपको इसको मैच करना है दोस्तों। जी, 10 वाली लाइन को 9 वाली लाइन से आपको मैच करना है इस तरीके से। ये फिर इसके बाद आपको 8 वाली लाइन से, तो एक बार आपने सेट कर दिया तो ऑटोमेटिक ये लाइन आपको आती चली जाएगी दोस्तों, बिल्कुल आसानी से समझ के करना है दोस्तों आपको। इस तरीके से देखो आपका ये हो गया। अब आपकी ये लाइन बिल्कुल कंप्लीट हो रही है दोस्तों, ये आपकी मीटर वाली है, ये डेसी मीटर वाली है, ये सेंटीमीटर पे थी। अब आपको शो करना है दोस्तों 4.56। अब आपने 4 यहाँ से ले लिया दोस्तों, अब 5 कहाँ से लोगे, अब ये 5 यहाँ से लोगे, और 6 कहाँ से लोगे दोस्तों, ये मार्किंग थोड़ी सी मैं अच्छे से कर देता हूँ। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब आपको ये वाली लाइन 1, 2, 3, 4, 5 आपको कितना शो करना है दोस्तों, 4.56। तो 4 आपका यहाँ से आ गया, आपका ये 5 दिख रहा है आपका, ये वाली लाइन ये 5 यहाँ से आ गया, ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये 6 तक जाएगा। तो ये वाली लाइन आपकी इधर आई, तो आपको बिल्कुल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ये आपने यहाँ पर देख लिया, ये वाली लाइन आपकी 5, 6 हो रही है और ये आपकी 4 हो रही है। तो जो ये वाली लाइन आपको ड्रा होगी दोस्तों, ये वाली लाइन, ये वाली आपकी 5.4.56, ये वाली लाइन है दोस्तों आपकी 5.4.56 आपकी ड्रॉ हो जाए। इसी आपको 3.27 करना, तो आपका 3 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, अब ये 7 पर कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये आपका 7 पर ये गया, ये यहाँ पर, ये 3 आपका यहाँ पर गया। तो ये वाली लाइन आपकी दोस्तों 3.27 की हो जाएगी, ये वाली, ये 3.27। आप किसी तरीके से इस तरीके से आप लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो और शो कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।